Love you. We are live now. यस जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी

जल्दी से ज्वाइन करें तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन एंड एकटाइजेशन प्लांट इंट्रोडक्शन में आपने कल कुछ ए, कुछ एक टॉपिक्स पढ़ चुके हो आप ये स्टैंड रोल नंबर हमने कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे कि हम प्लांट इंट्रोडक्शन क्यों करवाते हैं ठीक है नए प्लांट्स हम अपने आ, अपनी कंट्री में या अपने स्टेट में नए प्लांट्स क्यों लेके आते हैं क्योंकि हमें उससे फ़ायदा होता है तो उसकी आपने हिस्ट्री भी पढ़ी थी कल पढ़ी थी और उसकी हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी जो पुर्तगाली जो होते हैं उन्होंने काफ़ी प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो करी हुई है चिल्ली पोटैटो स्वीट पोटैटो गावा कस्टर्ड ऐपल पाइन ऐपल और टबैको वगैरह की और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती थी उसने भी प्ला, काफ़ी प्लांट इंट्रोडक्शन करी हुई है इंडिया में तो उसने लीची टी लोकाट चाइना से लिए हैं कैबेज कॉलीफ्लावर और अदर विंटर वेजिटेबल्स जो हैं वो उसने इंट्रोडक्शन की थी प्लांट्स इन इं, प्लांट्स की ठीक है तो हमने पढ़ा था कुछ इसके बारे में कि ये सीमित सीमित की फुल फॉर्म क्या होती है द इंटरनेशनल मेज एंड वीट इम्प्रूवमेंट सेंटर तो उसको हम क्या बोलते हैं सीमित और हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे इसके कि हमें क्या फ़ायदे हैं तो पहला फ़ायदा क्या था कि हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं एनरिच जर्म प्लाजम होगा हमारे पास और रजिस्टेंट रजिस्टेंट होंगी ये अगेंस्ट द डिजीज़ जो हैं या फिर अन, अनदर एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने रेजिस्टेंट डिजीज वराइटीज़ और कुछ एक ऐसे न्यू जो भी इंट्रोड्यूस करे जो कि जो नई इंडस्ट्रीज़ की फाउंडेशन है मतलब ऑयल प्लांट्स अगर हमने यहाँ पे ऑयल प्लांट अगर चूज़ किए तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऑयल इंडस्ट्री जो है वो बन गई अगर ऑयल प्लांट नहीं होते तो ऑयल इंडस्ट्री नहीं बनती तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारा तो दो तरह की इंट्रोडक्शन होती थी प्लांट इंट्रोडक्शन दो तरीके की होती थी जो कि अगर अडाप्टेसन के बेस पे पढ़ें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होती थी और अगर यूटिलाइजेशन के बेस पे पढ़ें डायरेक्ट इंट्रोडक्शन और इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन बोल सकते थे हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन उसमें जो है वो जो न्यू प्लांट इंट्रोड्यूस कर रहे थे हम किसी अदर कंट्री से या फिर किसी अदर स्टेट से या अदर कॉन्टीनेंट से तो वो कैसा होता था वो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से एक्लिमेटाइज होता था ढल जाता था उसमें उसमें कोई भी जिनोमिक अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो उसके एग्ज़ाम्पल क्या थे उसके एग्ज़ाम्पल थे हमारे पास सोनारा सिक्सटी फोर लारमा रोजो ये डवाफ वीट वैरायटी और ड्राफ ड वायटी टाइच नेटिव वन आई आर तो ये वैराइटीज़ के नाम याद रखना ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो आते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तो कौन कौन सी वैरायटी जो है किस चीज़ की वैरायटी होती है जैसे वीट की वीट की वैरायटी जो वो, है वो सोनारा सिक्सटी फोर है लारमा जो है और डॉफ राइस की वैरायटी टाइचिंग टाइचिंग नेटी वन और आई आर एट है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन उसमें जो है वो हमें क्या करवाना पड़ता था सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम जो है वो करवाने पड़ते थे किसके साथ वो लोकल वैरायटी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे उनके साथ जो, वो न, न, जो है वो हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ती थी टू गेट इंप्रूव्ड वैरायटी विद सम न्यू करैक्टर्स ठीक है नए करैक्टर्स जो हैं वो उसको पाने के लिए हम इम्प्रूवड वैराइटीज़ जो हैं वो करते थे अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगी है तो वो कमेंट कर दें साथ साथ में अब आते हैं अगले टॉपिक पे दैट इज द प्रोसीजर बट इज द प्रोसीजर ऑफ द प्लांट इंट्रोडक्शन ठीक है प्रोसीजर क्या थी प्लांट इंट्रोडक्शन की तो प्रोसीजर में सबसे पहले हम करते हैं वेज ऑफ प्रोसी प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट और जर्म प्लाजम मेंट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ प्लांट और जर्म प्लाजम या तो हम जो प्लांट इंट्रोड्यूस करना है हमने नया या तो फिर उसका जो जर्म प्लाजम है वो लेके आएंगे किसी कंट्री से या कंटिनेंट या स्टेट से अदर स्टेट से तो उसको लेके आएंगे या फिर पूरे के पूरे प्लांट को जो वो लेके आएंगे तो उसका भी प्रोक्यूरमेंट जो है वो किया जाता है तो रिक्वाजिशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप प्लांट और न्यू वराइटीज शुड बी सबमिटेड टू एनबीपीजीआर सबसे पहले एनबीपीजीआर में ये सबमिट करना पड़ता है ठीक है जो भी हमें प्लांट चाहिए एनबीपीजीआर में हमें सबमिट करना पड़ेगा एनबीपीजीआर क्या है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन द कंट्री और आई बी पी जी आर आई बी पी जी आर क्या है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ़ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अगर विद इन द कंट्री करना है तो एन बी पी जी आर यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ जो है वो हमें सबमिट करना पड़ेगी अपनी रिक्वजिशन रिक्वेस्ट जो है वो करनी पड़ेगी और आई बी पी जी आर अगर हमने इंटरनेशनल जो है वो प्लांट इंट्रोडक्शन करनी है तो किसी और देश से हमने या किसी और कंट्री से या कॉन्टीनेंट से करनी है तो वो आई से जो है वो परमिशन या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एंड द मटेरियल मे बी ऑप्टेंड ऑन एन एक्सचेंज बेसिस फ्रॉम द फ्रेंडली कंट्रीज तो मटेरियल जो है वो कैसे ऑप्टेंट किया जाए ऑन द एक्सचेंज बेसिस जो फ्रेंडली कंट्रीज के साथ तो क्या किया जाता है एक्सचेंज बेसिस के हम आपको ये वाला प्लान दे, दे देंगे या फिर आपको ये वाला फ़ायदा होगा और हमारे हमें ये प्लांट जो है इंट्रोड्यूस करने दीजिए और द मटेरियल कैन बी आल्सो बी परचेस्ड और ऑप्टेंड एज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन या फिर एज ए गिफ्ट भी मिल सकता है किसी को ये और ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो वो गिफ्ट भी एज ए गिफ्ट भी दे सकती हैं ठीक है तो ये हो गया कि वेज टू प्रोक्योर वेस्ड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट्स और जर्म प्लाज्म। नेक्स्ट इज द पैकेजिंग एंड डिस्पैच ठीक है पैकेजिंग और डिस्पैच तो पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर द प्रोपिगेशन फॉर फॉर दैट स्पीशीज़ नाउन एज प्रोपिग्यूल तो इसका प्रोपिग्यूल जो है वो लिया जाता है द प्रोपिगुल में भी सीड ट्यूबर रनर सक्कर, स्टोलोन बल्ब रूट कटिंग और बर्ड इनमें से कोई भी प्रोपिग्यूल हो सकता है प्लांट का या होल प्लांट भी जो हो सकता है मतलब इसका जर्म प्लाज्म चाहिए जिससे कि हम एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस कर सकें नेक्स्ट इज द प्रोपिग्यूल आर पैक्ड केयरफुली एंड डिस्पैच तब उसको भेज दिया जाता है पैक करके फिर उसके बाद थर्ड एंड एंट्री एंड प्लांट क्वारंटाइन जब उसकी एंट्री होती होती है नए नई कंट्री में तो उसको क्या किया जाता है चेक किया जाता है ठीक है ऑन द रिसमेंट ऑन द रिसप्ट ऑफ द मटेरियल एंड एंट्री इंस्पेक्शन इज डन बाय द कंट्री फॉर अदर कंटेमिनेंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट्स डिजीजेस निमिटोड्स एंड आर चेकड प्लान क्वारंटाइन जो वो आपको प्लांट पैथोलॉजी में भी पढ़ना है आपने प्लांट क्वारंटाइन वहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा आपको प्लांट कॉरेंटाइन क्या होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपने क्वारंटाइन का मतलब तो आप समझ ही गए हो अच्छे से यहाँ कोरोना ने बहुत अच्छे से समझा दिया हमें कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है टू आइसोलेट फ्रॉम द अदर इंडिविजुअल बींग्स तो तो प्लांट क्वारंटाइन का क्या मतलब है कि प्लांट क्वारंटाइन हमें बचाता है कि कोई नई कंट्री किसी नई कंट्री से जो वो कोई प्लांट आ रहा है तो वो अपने साथ कुछ ऐसे इंसेक्ट्स पैस, या पेस्ट पेस्ट लेके आ सकता है जो कि बहुत ही घातक हो हमारी कंट्री के लिए ठीक है तो उस चीज से बचने के लिए वहां पे क्या लगाया होता है प्लांट क्वारंटाइन यानी कि चेकिंग की जाती है हर एक मटीरियल की कि जो मटीरियल लेके जा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं उसके साथ कोई पेस्ट या फिर इंसेक्ट जो वो साथ में तो नहीं जा रहा है जो कि हमारी अगली जो प्लांट की ऑलरेडी जो फसल लगी हुई है हमारे देशों में तो उसको ना बर्बाद कर दे तो आपको पता है कि अगर अगर कोरोना वगैरह का चेक किया होता ये तो प्लांट का केस मैं आपको बढ़ा रही हूँ अगर कोरोना वगैरह का जो वो पता होता कि कोरोना जो वो इस तरीके से फैल रहा है तो वो चाइना से कहीं बाहर नहीं जाता क्वारंटाइन के वजह से ठीक है क्योंकि चेक किया जाता है यहाँ पे क्वारंटाइंस जो है वो तो कंपलसरी होते हैं क्योंकि डिजीजेज जो हैं वो प्लांट्स uh, को भी लगते हैं और एनिमल्स को भी यानी ह्यूमन बींग्स को भी लगते हैं तो ओबियसली वहाँ से चेकिंग जो है वो ज़रूरी होती है तो उनकी चेकिंग की जाती है क्वारंटाइंस जो है वो वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एंड द मटीरियल आर ट्रीटेड विद इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड्स नीमेटिसाइड्स एंड देन रिलीज टू द यूजर तो पहले जो वो उसको क्या किया जाता है फंगीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के साथ जो वो ट्रीट किया जाता है निमेटिसाइड्स के साथ तब जाके उसको आगे फर्दर रिलीज किया जाता है फॉर द कंट्री फिर उसके बाद उसकी कैटलॉगिंग होती है ठीक है उसके बाद उसकी क्या होती है कैटलॉगिंग की जाती है द इंट्रोड्यूस्ड स्पेसिमेन इज गिवन अ नंबर ऑफ अ नंबर रिगार्डिंग द स्पीशीज वराइटी और प्लेस ऑफ ऑरिजन एंड द डाटा आर रिकॉर्डेड उसकी कैटलॉगिंग की जाती है जैसे ही उसको अपने देश के अंदर लाया जाएगा <coughs> तो उसकी क्या की जाएगी कैटलॉगिंग की जाएगी तो वो कैटलॉगिंग किसके बेस पे होगी कि कौन सी स्पीशीज़ है और कुछ कौन सी स्पीशीज़ जो है वो उसकी फर्दर ये वैरायटी है ठीक है और कौन से प्लेस ऑफ़ ओरिजिन से आई है इसका प्लेस ऑफ़ ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से आई है और वहाँ पे जो उसकी जो वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है फ़र्दर उसके बाद क्या किया जाता है इवेल्यूशन की जाती है ठीक है इवेल्यूशन की जाएगी परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट सबस्ट सब इवेल्यूटेड परफॉर्मेंस और डिफरेंट सब स्टेशन मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस जो वैरायटी है उसको पहले लेबोरेटरीज में लाके अलग से जो है वो उसको इवेल्यूएट किया जाता है ठीक है तो उसको अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो उसको इवेलुएट किया जाएगा इवेलुएटेड अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स ठीक है अलग अलग एनवायरनमेंट्स में उसको इवेल्युएट किया गया फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या की जाती है मल्टीप्लिकेशन की जाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाता है तो प्रोमिसिंग इंट्रोड्यूस्ड दो प्रोमिस इंट्रोड्यूस्ड मटीरियल आर पॉपिगेटेड एंड देन रिलीज एज अ वाइटी आफ्टर द नेसेसरी ट्रायल्स तो सबसे पहले आपको देखिए इतना बड़ा जो है वो बीच में प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए किसी भी चीज़ को फर्दर आ, क्या बोलते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको पहले ट्रायल किया जाता है उसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो की जाती है पहले कि अगर एक एक प्लांट जो है वो हमारे पास है लेकिन हम एक जो अकेला प्लांट है उसी को आगे जो हो वो फर्दर सॉइल में लगाने के लिए दे देंगे तो क्या पता वो चलेगा या नहीं चलेगा तो उसके पहले क्या किया जाता है उसका डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो हो वो उसकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि आप इस प्लेस पर लगाओ डिफरेंट प्लेसेज पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उसको फिर तब जाके उसको रिलीज किया जाता है ठीक है तब जाके उसको बाकी जगह पे बेचा जाता है या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं वहाँ पे रखा जाता है तो उसके बाद जो वो कंज्यूमर्स जो होते हैं उसको ले जाते हैं खरीदते हैं अपने बगानों में लगाते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट होता है उसको देखा जाता है तो अब हमारे पास एजेंसीज़ कौन कौन सी हैं जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन करती हैं ठीक है कौन कौन सी जो एजेंसीज़ हैं जो, है, जो इससे रिलेटेड हैं तो ये एजेंसीज़ का नाम आप याद रखना ठीक है एजेंसीज का आप नाम याद रखोगे तो ऑबियसली आपको फायदा ही रहेगा क्योंकि एजेंसीज प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन बुक में भी देख लेते हैं आपको बुक भी है पड़ी हुई लेकिन आपको जो पीडीएफ दी है ना मैंने अगर सभी ने खोली होगी वो तो उस पीडीएफ में ये प्लांट इंट्रोडक्शन का टॉपिक काफी अच्छे से दिया है ठीक है तो जिसने डाउनलोड की होगी वो वेल एंड गुड वो उसके लिए तो काफ़ी सही चीज़ होगी बाकी देख लेना तुम लोग मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चे गायब हो गए हैं पेपर में ज़रूर आएगा ये नो मैम यहाँ से पता चल जाता है कि कितने बच्चे ने कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है इसलिए बोलती हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ नौ स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन करे हुए हैं उसमें सिर्फ एक मेरा फ़ोन है एक दो तीन चार पाँच छः सात आप लोग सिर्फ नौ मैसेज आएंगे देखना नौ बच्चों के मैसेज आएंगे इससे ज़्यादा तो मैसेज नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ नौ बच्चे देख रहे हैं बाकी गायब है 12 की लगाई तो है अटेंडेंस एक टू नहीं सिक्स नहीं था नाइन नहीं था बाकी मेरी अटेंडेंस के हिसाब से मेरे पास ग्यारह बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए थे इंक्लूडिंग माई फोन मेरे पास जो वो ग्यारह प्रेजेंट होने चाहिए थे बट तुम लोग जो बीच में से कल्टी मान लेते हो जो एबसेंट जो बीच में से चले जाते हैं ना उनके लिए बोल रही हूँ जो प्रेजेंट है उनको नहीं बोल रही हूँ अब आते हैं एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट आई ठीक है आई इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट रोम ये कहाँ पे है रोम में है इटली डील्स विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल ऑन ग्लोबल लेवल तो ये देखता है कि प्लांट मटेरियल जो है वो ग्लोबल लेवल पे इंट्रोड्यूस करना है कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा जाना चाहिए इसके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कहाँ से कौन सा मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एंड सेंट्रलाइज प्लाट इंट्रोडक्शन एजेंसी वॉज इनिशिएटेड इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स एट आई ए आर आई न्यू डेली आई ए आर आई न्यू डेली तो ये कब स्टार्ट की गई थी नाइनटीन फोर्टी सिक्स में स्टार्ट की गई थी प्लांट इंट्रोडक्शन डिविजन है ये तो इंटरनेशनल प्लांट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये सुन रहे हैं ओके okay. गुड तो आई ए आर आई क्या होता है दिस न्यू डिवीजन इंट्रोड्यूस द यूजफुल प्लांट मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंस तो इसने क्या किया था 1946 में एक नई डिवीजन जो है वो बनाई गई थी जो सेंट्रलाइज्ड एजेंसी थी इंडिया की तो आई ए आर आई डेली उनने क्या काम क्या करना शुरू किया एक ऐसी डिवीज़न बनाई गई जो कि एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल इंपॉर्टेंस की थी ठीक है तो ये एग्रीकल्चरल इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं इसको रुकिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ठीक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंक्शन स्मॉल स्कीम प्लांट इंट्रोडक्शन एट आई ए आर आई इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दिस दिस डिवीजन इसकी फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पे तो इसका यही होगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च ट या फिर डिवीज़न होगा यहाँ पे तो इसकी यही फुल फॉर्म होगी तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग नाइनटीन सेवेंटी सिक्स द प्लांट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स वॉज स्टार्टेड सेवेंटीन सिक्स में सेवेंटी सिक्स में जो वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एन बी पी जी आर जो वो स्टार्ट किया गया और uh, इंडिया में दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन इंडिया टू मोर ऑर्गेनाइजेशंस विद फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उसको एफआरआई देहरादून भी बोलते हैं हम और सेकंड uh, है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता बीएसआई तो ये भी इसके साथ कनेक्टेड है प्लांट इंट्रोडक्शन के साथ तो एफ आर आई जो है वो आपको पता है वह हर्बेरियम भी है बोटैनिकल गार्डन भी है एफ आर आई डील विद द इंट्रोडक्शन ऑफ़ फॉरेस्ट ट्रीज वेयर एज़ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कंसर्न विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड बोटेनिकल प्लांट्स ठीक है एफ आर आई जो है वो फॉरेस्ट प्लांट्स फॉरेस्ट ट्रीज़ की जो वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड काम करता है लेकिन जो ब्यूरो ऑफ बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो उसको क्या वो क्या काम करता है मेडिसिनल और बोटैनिकल प्लांट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है उसकी देख करता है ठीक है तो जो बॉटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो 1890 में स्टार्ट किया गया था ठीक है तो इसको 1890 में स्टार्ट किया गया था एंड वेरियस क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आल्सो प्रोड्यूस प्लांट मटेरियल बट ओनली थ्रू द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस न्यू डेली ठीक है एन बी पी जी आर जो है उसके थ्रू जो है वो ये प्लांट इंट्रोडक्शन की जाती है दस द एन बी पी जी आर कॉर्डिनेट्स द वर्क ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन इन इंडिया प्लांट इंट्रोडक्शन का काम मेनली कौन देखता है एन बी पी जी आर देखता है ठीक है अब इन एजेंसीज के काम क्या हैं इन एजेंसीज के क्या काम हैं इन एजेंसीज को यहाँ पर क्यों बैठाया गया है इनका यहाँ पे क्या काम है सबसे पहले तो देखते हैं कि इनके फंक्शंस ऑफ दीज एजेंसीज तो सबसे पहले तो यही है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज विद इन द और आउटसाइड द कंट्री तो पहले तो इनका काम यही है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको इंट्रोडक्शन करवानी है प्लांट्स की जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है एंड प्लांट एक्सप्लोरेशन एक्सप्लीडिशन विद इन और विद आउट द कंट्रीज़ तो प्लांट एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन मतलब कि प्लांट्स के बारे में जो वो जानना और उसको जो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना और उसको एक्सचेंज करना दूसरे प्लांट्स के बारे में जो वो जानना और विद इन द कंट्री जो हमारी कंट्री में प्रेजेंट है और आउटसाइड द कंट्री जो प्रेजेंट है और उसके बाद एक्सेसमेंट एक्सेसमेंट करेगा ये असेसमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड प्लांट यूटिलाइजेशन ऑफ इंट्रोड्यूस्ड प्लांट जैसे आपको बताया ना कि आगे का प्रोसीजर जो है उसको चेक किया जाता है कि वेदर द प्लांट इज इम्पोर्टेंट उसको मतलब प्लांट जो है वो उसको लगाया जा सकता है डायरेक्टली या नहीं लगाया जा सकता उसको पहले जो है वो उसको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत तो नहीं करेगी होगी उसको उसकी जो जेनेटिक मेकअप है उसको अल्टर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी या फिर उसको सीधा लगाया जा सकता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन की जा सकती है या नहीं मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोडक्शन इन लिविंग एज द गार्डन फॉर्म और हर्बेरिया और म्यूजियम्स तो इनको मेंटेन करना भी इन्हीं का काम होता है एन बी पी जी आर हाँ जी ये सर्टिफिकेट तो मतलब उस पर्टिकुलर बंदे को तो नहीं देंगे लेकिन अपने पास जो है वो एक तरीके से रिकॉर्ड रखते हैं सर्टिफिकेट का नॉलेज अभी तक तो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट certificate देखना पड़ेगा सर्टिफिकेट देते होंगे ये जब किसी नए प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ओबियसली एक सिंगल मतलब ऐसे विदाउट परमिशन जो वो नहीं इंट्रोड्यूस करने देंगे किसी भी प्लांट को ठीक है तो सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाएगा आई थिंक सो कि सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता होगा और अपने पास भी इनके पास जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है लेकिन हम जैसे इंडिविजुअल जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ओबियसली उसको फर्दर जो उसकी आगे की जो प्रोसेस है उसको भी तो फॉलो करना पड़ता है ठीक है जैसे कोई मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो उसको पहले चेक भी तो करना पड़ता है उसको पहले प्लांट क्वारंटाइन के ज़रिए गुजरना पड़ेगा उसको पहले जो मल्टीप्लिकेशन की जा जानी चाहिए ठीक है तो जिसके पास ये परफेक्ट लेबोरेटरी वगैरह है सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं मतलब वो साइंटिस्ट वगैरह जो है कर सकता है ये सारा काम तो उसी के पास ये हो सकता है तो उसी को सर्टिफिकेट मिल सकता है तो जहाँ तक मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग तो ये सारे देखा जाता है कि कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करना है और तो इसके जो यूजेस और एडवांसमेंट आपने क्या करना है प्लांट इंट्रोडक्शन के फायदे क्या क्या होते हैं हाँ जी प्लांट uh, इंट्रोडक्शन के क्या क्या फायदे हैं उसको देखा जाता है कि आपने प्लांट इंट्रोडक्शन के यूजेस या फिर एडवांटेजेस जो हैं वो आपने करने हैं खुद ठीक है इसके यूजेस आपने करने हैं यूजेस या फिर एडवांटेजेस बोल सकते हैं इसको वो आप करके लाएँगे वो आप ढूँढेंगे और मैं आपको डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं ठीक है ठीके? कर लोगे ना हाँ जी बताइए कर लेंगे मैम हाँ जी उसे बहुत सारे फ़ायदे तो आपको पहले ही बता दिए हाँ जी हाँ जी ठीक है डिसएडवांटेजेस बता देती हूँ इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं भई हम क्रॉप्स को तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो नई क्रॉप्स हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वी इंट्रोड्यूस द क्रॉप्स बट उनके साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल क्रॉप डिजीजेस इसके साथ जो है वो क्रॉप के साथ साथ और क्या लेके आए हम इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिजीजेस तो ये सबसे पहली और बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है क्योंकि हमें पता है कि जो क्रॉप ऐसे कि हमें पता है कि कोई डिजीज़ अगर ऐसा नहीं मतलब तो एक बार प्लांट को लगाए तो वो सारे के सारे प्लांट सारी की सारी क्रॉप्स को सारे के सारे फसल खेतों के खेतों को तबाह करके रख देता है तो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल क्रॉप डिजीजेस ठीक है तो इसमें क्या होता है फॉर एग्जांपल डिजीजेस कौन कौन से आए हैं सबसे पहला है डिजीज़ेस तो डिजीजेस कौन कौन से आए हैं इंट्रोडक्शन के थ्रू फर्स्ट इज द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये आप इसमें भी कर सकते हो प्लांट पैथोलॉजी में लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस फाइटोप इन ठीक है ये कॉज करता है ए सीरियस डिजीज ऑफ पोटैटो इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया इन 1883 1883 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया फ्रॉम द यूरोप एंड नाउ वेल स्प्रेड इन ऑल द पोटैटो ग्रोइंग पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है 1883 में कहाँ से आया था ये यूरोप से आया था यूरोप कॉन्टिनेंट से आया था तो भाई उसके बाद कहां पे मतलब जहां जहां पे पोटैटो जो वो ग्रो किए जाते हैं वहां वहां पे ये फैला हुआ है डिजीज सेकंड सेकंड एग्जांपल है इसका फ्लैग स्मट ऑफ वीट फ्लैग स्मट ऑफ वीट फ्लैग स्मट ऑफ वीट इसको यूरासिस्टिस ट्रिटिकाई यूरासिस्टिस ट्रिटिकाई ट्रिटिसाई जो भी आपने इसको प्रनाउंस करना है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इसको ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस करवा लिया गया प्लांट के साथ साथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इट अ कॉमन न्यू डिज़ीज़ इन मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश ये फ्लैग्स मट ऑफ डिज़ीज़ जो है वो देखने को मिला इसके कारण प्लांट इंट्रोडक्शन के कारण प्लांट के साथ साथ जो है वो ये डिज़ीज़ भी ये फंगस भी साथ साथ में आ गई थर्ड थर्ड डिज़ीज़ लीफ डिज़ीज़ ऑफ कॉफ़ी लीफ डिज़ीज़ ऑफ कॉफ़ी तो कॉफ़ी की जो लीफ डिजीज़ है वो, वो भी साथ में इंट्रोड्यूस हो गई कौन कॉज करता है हैमीलिया वेस्ट्रिक्स इसको कॉज करता है तो इट केम इनटू इंडिया इन 1876 इंडिया में इसको कब कब इंट्रोड्यूस करवा दिया गया 1876 विद द कॉफ़ी जो प्लांट जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो साथ साथ जो From, uh, and, uh, where, where country, में जो अब इस डिजीज़ को भी इंट्रोड्यूस करवा लिया गया फ्रॉम केलोन एंड इट इज नो वाइज स्प्रेड वेयर वेयर आवर कॉफ़ी इज ग्रोन इन द कंट्री जहाँ भर भी कंट्री हमारी पूरी कंट्री में जहाँ पर भी कॉफ़ी को ग्रो किया जाता है ये डिजीज़ देखा जा सकता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर ठीक है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पेयर ये भी इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस करा गया है फायर ब्लाइट और नेक्स्ट एंड फिफ्थ इज़ द वंची टॉप ऑफ बनाना वंची टॉप ऑफ बनाना ये डिजीज़ भी केलोन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है और अब तक ये पूरे के पूरे इंडिया में जहाँ भी जो बनानास को कल्टीवेट किया जाता है या लगते हैं बनानास वहाँ पे ये वाइडली स्प्रेड है केरला मैसूर उड़ीसा वेस्ट बंगाल तो वहाँ पे ये वेल well नाउन है मतलब कॉमन डिजीज है नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है नेक्स्ट सेकंड डिसएडवांटेज क्या है इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट्स पेस्ट एज ए पेस्ट काम करते हैं वो इंसेक्ट तो पहला इंसेक्ट है हमारे पास पहला इंसेक्ट है पोटैटो ट्यूबर मूथ पोटैटो ट्यूबर मोथ पोटैटो ट्यूबर मोथ तो इसका साइंटिफिक नेम अगर आपने लर्न करना होगा तो कर लेना साइंटिफिक नेम है ये ग्नोरीमो स्केमा स्केमा अपेक्यूलेला लेला। तो इसकी एंट्री कब हुई थी इट एंटर इन इंडिया नाइनटीन हंड्रेड उन्नीस सौ ईस्वी में जो इसकी एंट्री हुई फ्रॉम इटली इटली से आया ये पोटैटो ट्यूबर मोथ और अब जो है वो अब तक सारे के सारे वाइल्ड जितने भी इंडिया में जहाँ पे भी पोटैटो जो है वो उगाया जाता है वहाँ पे बेस्ट ऑफ स्टोर्ड एंड फील्ड पोटैटोज आर ओवर द कंट्री जहाँ पे भी होते हैं वहाँ सभी जगह ये फैला हुआ है नेक्स्ट है सेकेंड है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल इज द वुली एफिड्स वुली एफिड्स एफिस या yeah, एफिड्स तो ये भी इंट्रोड्यूस करवाया गया नॉर्थ इंडिया तक जो सीरियस पेस्ट ऑफ़ एप्पल कॉजिंग सब्सटेंशियल लॉसेस ऑफ क्रॉप्स इन एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया तो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया में हम लोग भी आते हैं तो यहाँ पे जो जो क्रॉप एप्पल क्रॉप थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाता है ठीक है वो एफिड तो ये सीरियस पेस्ट है इसको भी इंट्रोड्यूस ही किया गया है साथ में एप्पल के साथ में जब इसमें बताया नहीं गया कि कौन सी कौन सी ट्री के कौन सी कंट्री से ये आया है नेक्स्ट इज द फ्लूटेड स्केल फ्लूट स्केल तो फ्लूटेड स्केल जो है वो क्या है एक इंसेक्ट है दिस पेस्ट इज एंटेड एंटेड इंटर द कंट्री थ्रू सिलोन फ्राम द ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में है ये सिलोन सी ई वाई जी एल ओ एन तो इसको 1928 में जो है हाँ वो बैटल्स से पहले जो है हाँ वो बिफोर बैटल्स ऑफ 1928 उससे पहले जो अब हाँ इंट्रोड्यूस किया गया था अब सीरियस पेस्ट जो सिट्रस हाँ, का सिट्रस के ऊपर ये जो वो सीरियस पेस्ट के रूप में ये द फ करता है नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज द लास्ट जो इसका डिसएडवांटेज है दैट इज वीड्स ठीक है खरपतवार भी इसके साथ ही आ जाती है तो इनके नाम जो है वो आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से बीड जो प्लांट है प्लांट इंट्रोडक्शन के थ्रू आए हैं आरजी मोन मैक्सिकाना फर्स्ट क्या है आपके पास आरजी मैक्सिकाना लेंटाना लेंटाना स्पीशीज लेंटाना की स्पीशीज जो बहुत आई है लेंटाना कैमरा लेंटाना कैमरा और अदर स्पीशीज ऑफ लेंटा और थर्ड वन इज की स्पीशीज क्रेसी पीज तो ये भी इसी के साथ इंट्रोड्यूस करी गई हैं बीड्स में जो सीरियस सम ऑफ द हार्मफुल अनडिजायरेबल वीड्स विच आर ऑल्सो कंट्री अलॉन्ग विद द मटीरियल एंड नो वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, कॉजिंग द ग्रेट लॉस ऑफ क्रॉप्स पहले जो ये जो बसुटी होती है इसका नाम है लेंटाना जो बसुटी होती है ना जो मतलब जहां पे भी हम जाते हैं इधर उधर कहीं पे भी लगी हुई होती है बुशी जैसी अपेयरेंस होती है उसको खड्ड में लगी हुई होती है और उसकी जो लकड़ियों के रूप में भी इसको काट कूट के यूज़ किया जाता है उसका लेंटाना है लेंटाना रिका अमेरिकाना या फिर अदर स्पीशीज तो इसको पहले जो अब एज ए पहले जो अब इंट्रोड्यूस करवाया गया ये समझ के कि ऑर्नामेंटल प्लांट है बट जब ये फैलने लगा आगे के आगे आगे के आगे तो ये इस तरीके से फैल गया कि एज ए वीड फैल गया ये आरजी मोन का भी यही हिसाब है ईशोनिया का भी यही हिसाब रहा तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस ठीक है तो ये आपने करने हैं डिसएडवांटेजेस और सॉरी एडवांटेजेस आप करके लाओगे और ये भी पढ़ने हैं डिसएडवांटेजेस वग़ैरह भी अब अचीवमेंट्स वगैरह क्या हो सकती हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के कारण हमारे पास क्या है इसकी क्या अचीवमेंट्स हैं तो एच आएगा ये भी आपके इसमें आ जाएगा एडवांटेज में भी आ जाएगा ये तो क्रॉप्स में नई नई क्रॉप्स जो वो हमारे पास जैसे हमारे हम लोग जो क्रॉप्स लगाते थे ना तो उनसे इम्प्रूव्ड वराइटीज़ जो वो हमारे पास आ गई सेबरल एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स एज मेज़ हाँ जी भाई देखा है मैंने प्रेजेंट हो मेज़ पोटैटो स्वीट पोटैटो ग्राउंड नट चिल्लीज़ कॉफी एंड पैरा रबर चिनकोना बरसीम अमेरेंथस एड्यूलिस तो ये सारे के सारे जो हैं ऐसे प्लांट हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं ठीक है तो ये सारे के सारे ऐसे प्लांट हैं ना ये जितने भी मैंने अभी प्लांट्स के नाम लिए ये सारे के सारे जो वो इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया था ठीक है ठीक है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा ये एक्सीड कर गए थे इसके जो इसके साथ जो प्रॉफिट हुआ था हमें ठीक है तो जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा जो इन्होंने रिजल्ट दिया था तो ये अचीवमेंट है क्रॉप्स के फील्ड में भी फ्रूट्स के फील्ड में भी ऐसा ही हुआ था तो फ्रूट कौन कौन सा करवाया था हमने जैसे ग्वाबा है ग्रेप फ्रूट है कस्टर्ड एप्पल है पाइन एप्पल है पपाया पंपकिन, कैशोनट कोकोआ चीकू लीची लोकाट टमेटो, सेबरल अदर प्लांट्स तो उनके केस में भी हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब ए लोट ऑफ वेल्थ ऑफ फ्रूट इंडस्ट्री जो फ्रूट इंडस्ट्री थी उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था थर्ड वन इज़ द ऑर्नामेंटल तो ओर्नामेंटल्स के केस में भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ था जैसे कि फ़ॉर एक्ज़ाम्पल uh, केसिया केसिया जो वो उसको वो किया था इंट्रोड्यूस किया था गुलमोहर बोगन बिलिया तो ये एस्थेटिक इनकी मतलब देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं ये प्लांट और इनसे भी काफ़ी जो, जो है वो इकोनॉमिक और हेल्थ वेल्थ जो है वो देखी जा सकती है ब्यूटी ऑफ गार्डन जो है वो काफ़ी हमें अट्रैक्टिव लगती है इन्हीं प्लांट्स की वजह से ठीक है जो प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए थे इनकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे ओके सो गिव मी द अटेंडेंस अटेंडेंस दीजिए अपनी कौन कौन प्रेजेंट है वन जीरो फोर वन इज प्रेजेंट ये वटनी स्टडी टिप्स इसका रोल नंबर वन है टेन हाँ जी वन जीरो फ़ाइव वन ज़ीरो वन सेवन थ्री कहाँ पे है हाँ जी अंशिका थ्री रोल नंबर एट एंड टेन रोल नंबर टेन रोल नंबर फिर मैं टिक करा तो है एट रोल नंबर एंड सिक्स रोल नंबर पता है कौन है एट नाइन प्रेजेंट हैं वो जल्दी से कमेंट कर दें ठीक है मैं लाइव सेशन एंड कर रही हूँ